दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीके। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीके टेक। एक्सप्लोर ऑफ उत्तराखंड के सेकंड एपिसोड में हम आज वैश्वनाथ धाम की यात्रा करेंगे। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में स्थित है। यह मंदिर गरुड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। वैश्वनाथ मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि यह मंदिर सिर्फ एक रात में बनाया गया था। वैश्वनाथ उत्तराखंड का काफ़ी महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक स्थल है। कौसानी से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वैश्वनाथ गोमती नदी के तट पर स्थित है। पर्यटकों के लिए यहां सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र 12वीं सदी में निर्मित शिव, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर एवं सूर्य मंदिर हैं। यहां पत्थर पर बने हुए कई मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख मंदिर भगवान शिव का है। बैजनाथ को प्राचीन काल में कार्तिकेय पुर नाम से जाना जाता था और तब यह कत्यूरी राजवंश के शासकों की राजधानी थी। कत्यूरी राजा तब गढ़वाल, कुमाऊं और डोडी क्षेत्रों में राज करते थे। इस क्षेत्र के सबसे पुराने अवशेषों में करवीरपुर या कबीरपुर नामक एक शहर शामिल है। इस शहर की खंडहरों का प्रयोग करके कत्यूरी राजा नरसिंह देव ने अपनी राजधानी बनाई थी। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक बैजनाथ कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी और तब इसे कार्तिकेयपुर नाम से जाना जाता था। नेपाली आक्रमणकारी करंचलदेव ने 1191 में बैजनाथ पर आक्रमण कर कत्यूरी राजाओं को पराजित कर दिया। इस आक्रमण से कमजोर हुआ कत्यूरी राजवंश 13वीं शताब्दी तक 8 अलग अलग रियासतों में विघटित हो गया। विघटन के बाद भी 1565 तक बैजनाथ में कत्यूरी राजवंश के मूल वंशजों का ही शासन रहा और उन्हें बैजनाथ कत्यूर नाम से जाना जाने लगा। 1565 में अल्मोड़ा के राजा बालो कल्याण चंद्र ने बैजनाथ पर कब्जा कर लिया और उसे अपने राज्य में मिला दिया। 1791 में काली नदी के पूर्व की ओर से अपने राज्य का विस्तार करते हुए गोरखा राजाओं ने अल्मोड़ा पर आक्रमण किया और संपूर्ण कुमाऊं राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान गोरखाओं को हरा दिया। इसके बाद 1816 में सुनौली संधि के अनुसार यह अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। बैजनाथ उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जनपद में गोमती नदी के किनारे एक छोटा सा नगर है। यह अपने प्राचीन मंदिरों के लिए विख्यात है, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्तराखंड में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में मान्यता प्राप्त है। बैजनाथ उन 4 स्थानों में से एक है जिन्हें भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत शिव हेरिटेज सर्किट में जोड़ा जाना है। ১৯০৯ में बैजनाथ 148 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव था। आज यह कुमाऊं के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है।
बैजनाथ धाम गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती सरयू की एक सहायक नदी है। यह बैजनाथ शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित भटकोट नामक स्थान से निकलती है। गोमती बागेश्वर में सरयू में मिल जाती है, जो आगे जाकर पंचेश्वर में काली नदी में जाकर मिल जाती है। गोमती घाटी, जिसे बैजनाथ के कत्यूरी राजवंश के नाम पर कत्यूरी घाटी भी कहा जाता है, कुमाऊं की प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक है। गरुड़ और बैजनाथ इस घाटी में स्थित प्रमुख नगर हैं। बैजनाथ मंदिर के पास गोमती नदी पर एक बैराज भी स्थित है, जिसे गोमती बैराज नाम से जाना जाता है। यह नदी गरुड़ घाटी में बैजनाथ होती हुई बागेश्वर में सरयू नदी में मिल जाती है। 2007-08 में मंदिर परिसर के पास एक कृत्रिम झील की घोषणा की गई। इस झील का उद्घाटन 14 जनवरी 2016 में उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया। झील में मछलियां बहुतायत में हैं, हालांकि मछलियां पकड़ने पर सख्ती से प्रतिबंध है। बैजनाथ धाम की सायंकालीन आरती मनमोह लेती है। पर्यटन यहाँ की आरती देखने के लिए शाम को एकत्रित होते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।